रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, खैरियत में होंगे। अल्लाह ताला के रहम फजल शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। आज हम आए हैं जामिया मस्जिद और यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मिलेगा आगे। हमें आपको बताता चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको जामिया मस्जिद। ये देखें कितनी प्यारी सी, बहुत पुरानी मस्जिद है। आगे आगे आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, कैसे क्या ये बनी है। बने रहिए आज के व्लॉग में। अगेन दिस इज अ फैमिली व्लॉग। यहाँ से पूरा मार्केट है ये, अबाया बर्तन वगैरह। एक्चुअली पुराना, बहुत ज्यादा पुराना मार्केट है ये। मेरे को याद है जब मैं छोटा सा बच्चा था, उन दिनों की बात है ये बाया मार्केट। पूरी लेडीज मार्केट है ये, ठीक है जी। बर्तन वर्तन ये वो। चलो जी बात करते हैं अब जामिया मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में। जामिया मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। ये लोकेटेड है नवाटा में, और जिसको ओल्ड सिटी भी कहा जाता है या डाउनटाउन भी कहा जाता है। नवाटा एक फेमस जगह है बिकॉज ऑफ जामिया मस्जिद, इसी मस्जिद की वजह से। और जो जामिया मस्जिद का काम स्टार्ट हुआ है 1394 सेंचुरी में, और जिस अंडर सुल्तान सिकंदर, जो शामीर डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, और कहा जाता है 1402 में ये मस्जिद कंप्लीट हो गई थी। तब से ये फेमस हमेशा रही है, हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ और हमेशा यू नो न्यूज़ में रही है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वजह से। समटाइम्स पॉलिटिक्स, समटाइम्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और ये जो मस्जिद है ये सराउंडेड है बहुत ही प्यारे मार्केट से, और यहाँ पे शॉपकीपर्स भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली है, और आपको ब्रेड बहुत अच्छी जेन्युइन देते हैं। और अगर आप बार्गेनिंग एक्सपर्ट हो तो फिर क्या कहने ही है, आप तो यू नो हज़ार की चीज़ 500-600 रुपए में लेके आ सकते हो। और हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर थोड़ी देर आगे चले, और यहाँ पे इवनिंग नज़ारा जामिया मस्जिद के अंदर हम गए नहीं क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। चलते आगे और देखते और क्या क्या। तो गाइज ठंड यहाँ पे बढ़ने लगी है, अब हम जामिया मस्जिद से निकल रहे हैं और देखते हैं कहाँ क्या जाते हैं, और आपको अपडेट करता चलता हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मस्जिद से अब तो निकल गए। फिर उसके बाद हमने क्या सोचा कि चलो जी ये बुलेवार्ड चलते हैं और डल लेक चलते हैं। दिल्ली जाने से पहले एक बारी और एक नज़ारा देखते हैं डल के। और मेरे को एक छोटा सा मार्केट दिखा जो टूरिस्ट मार्केट है नॉर्मली बस स्टैंड के पास बिल्कुल, और मैं आपको दिखाता हूँ। चलो लेट्स गो एंड सी व्हाट वी गेट देयर। चलते जी। तो लिटरली यार इस मार्केट को देख के ना बहुत ही मज़े आ गए, क्योंकि मेरे को अब यू नो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, पेपर मशी से चीज़ें बने हुए। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये भैया बैठे थे, शॉल्स वगैरह बेच रहे थे, और ये मार्केट ना बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। मेरा बस चलता मैं सब कुछ चीज़ें ले लेता इससे। ये इतनी हैवी चीज़ें दिख रही थी लेकिन उतनी महंगी बेच नहीं रहा था ये भैया। ये बस वही 300-400 रुपये में ये आइटम्स दे रहा था और लोग इसे खरीद भी रहे थे। बहुत ही अच्छी मार्केट लगी, अट्रैक्टिव लगी। और आगे थोड़ी देर चल के और भी आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या किया। तो जी बुलवार्ड वगैरह घूम के आ गए हम इधर उधर करके, अब हम आ गए हैं मकाई पार्क। मकाई पार्क एक फेमस जगह है श्रीनगर में बारबेक्यू लवर्स के लिए, और हम वहीं पे आए हैं बारबेक्यू खाने। चलो आपको दिखाता हूँ कैसे क्या खाएंगे हम। और मेरी गुड़िया रानी ये रही, इधर आ जानू मामू के पास थोड़ा सा। चलो देखते हैं आगे। शाबाश। ये आ गई जी हमारी रट से। बैठो ना आप। मैं करता हूँ अभी लाइट।
अल्लाह जाना शुक्रिया। तो ले जी आ गया जी हमारी बारबेक्यू, मजेदार खाते हैं इसको जल्दी से, फिर एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। ये ले लिया हमने बारबेक्यू का एक, ये एक, अरे ऐसे मजेदार। सो गाइस बारबेक्यू वगैरह खा ली हमने और हम चल दिए अपनी घर की तरफ। इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपने दुआ में याद रखिए, इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़, बाय।